लोग चाहते हैं कि कोई डिसिप्लिन ना तोड़े, क्योंकि विधानसभा में जिस प्रकार कुछ साथी कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए खड़े हो गए थे, उससे पार्टी को नुकसान हुआ। मुझे कहने में कोई संकोच नहीं है। तो भविष्य में ऐसा डिसिप्लिन कोई तोड़े ना, इस बात पर विशेष ध्यान AICC को रखना पड़ेगा, क्योंकि मेहनत करता है कांग्रेस का कार्यकर्ता, जनता को उम्मीद बनती है, और कांग्रेस को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई खड़ा हो जाता है तो कई बार खुद भी नहीं जीतते हैं, कुछ वोट का नुकसान करते हैं और बीजेपी को फायदा हो जाता है। और जो भी इस काम को करता है, अगर मेरे से संबंधित कोई व्यक्ति है और वो चुनाव में खड़ा हुआ है तो मेरी जवाबदेही बनती है। अगर किसी और का कोई व्यक्ति खड़ा होता है तो उससे नुकसान पार्टी को होता है। इस बात का ध्यान लोकसभा में को रखना पड़ेगा। इसको मैंने मीटिंग में भी कहा था। कुछ आंकड़े हैं मेरे पास, मैं दोबारा नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन नरेगा में जो जो हम लोग काम कर रहे हैं उसके कुछ आंकड़े मेरे साथ हैं, मेरे सामने हैं। हम लोगों ने कुछ टारगेट्स रखे हैं रूरल डेवलपमेंट के लिए, नरेगा की डिमांड्स कैसे हम बढ़ा सकते हैं, क्योंकि ये डिमांड ड्रिवन है। इसमें कोई हम स्पेसिफिक टारगेट नहीं देते हैं किसी अधिकारी को, लेकिन जागरूकता बढ़े, लोगों में जो रुचि है, पेमेंट टाइम पर होगा, अगर काम ढंग से लोग करा पाएंगे तो स्वाभाविक रूप से मांग बढ़ती है। लेकिन अधिकारी प्रशासन अगर इंटरेस्ट नहीं लेगा, पेमेंट को रोक के रखेंगे, तो डिमांड अपने आप गिरती रहती है। इसलिए इन सबको हम रेक्टिफाई किया है और उसके परिणाम आपको देखने को मिल जाएंगे। एक डिटेल प्रेस नोट बनाकर मैं आप सबको दे देता हूँ। इसके अलावा आपको, आप में से किसी को कुछ सवाल पूछना हो तो मैं काफी दिन बाद आपसे मिल रहा हूँ इस ऑफिस में, आपका स्वागत है। 5 साल उसने कई उतार चढ़ाव देखे, टर्निंग पॉइंट किसे मानते हैं? कुछ चुनाव को मानते हैं, सचिन पायलट का प्रदेश अध्यक्ष बनना टर्निंग पॉइंट कांग्रेस बड़ा अच्छा सवाल है आपका, मैं थोड़ा सोचना पड़ेगा। टर्निंग पॉइंट नहीं होता ये तो, देखो ये तो घूमता ही रहता है, इसमें कोई एक पॉइंट नहीं है। नहीं, ये बात सच है, जब 5 साल पहले मुझे जिम्मेदारी दी गई थी, मैं सोचता था कि हम लोग 21 सीट पर सिमट गए थे, हमारे जो आरक्षित सीटें थीं 34, उसमें से एक भी सीट हम नहीं जीते थे। और उस टाइम लोग कहते थे कि बहुत लंबे समय तक कांग्रेस पुनर्जीवित नहीं हो पाएगी, ऐसी धारणा आम लोगों में बन गई थी। लेकिन जो कांग्रेस के सच्चे सिपाही थे, उन्होंने और हम लोगों ने दूसरे हफ्ते से ही आंदोलन किए, सड़कों पर आए, और जनता का विश्वास जीतने के लिए तो मेहनत करनी पड़ेगी। हम सिर्फ मीडिया से बात करते रहें या स्टेटमेंट देते रहें, उससे पार नहीं पड़ती। पब्लिक बहुत समझदार हो गई है, और मुझे लगा कि हम लोगों ने शुरुआत नहीं, हमने 4 साल तक इंतजार नहीं किया कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, उसका लाभ लेंगे। हमें तो अपनी साख बनाने के लिए, लोगों का दिल और दिमाग में जगह बनाने के लिए शुरुआत से मैंने काम किया, पार्टी ने काम किया, और सब लोगों ने मिलकर इस पार्टी को मजबूत किया। लेकिन वो समय 2014 जनवरी का, आप में से काफ़ी साथी उसके विटनेस रहे होंगे, उस समय बहुत चुनौतीपूर्ण लोग मानते थे, लेकिन मुझे विश्वास था कि हम शुरू से आक्रामक रहेंगे, सेल्फ कॉन्फिडेंट रहेंगे और मेहनत करेंगे। देखो, मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, कोई सोचे कि अपने आप सब कुछ हो जाता है, ऐसा होता नहीं है, हर चीज़ के लिए काम करना पड़ता है। लेकिन 5 साल का सफ़र मुझे लगा बड़ा अनुभवी, एक अच्छा अनुभव भी रहा इसमें। जैसा आपने कहा, राजनीति में उतार चढ़ाव होते रहते हैं, लेकिन लोगों का जब आशीर्वाद मिलता है तो संबल के रूप में काम आता है। अगले 5 साल आप में से किसी को नहीं पता 5 साल बाद आप लोग कहाँ होंगे। 5 साल का समय, देखो मैंने हर बार कहता हूँ मैं कि 2 तो पहले जीत गए थे हम, अब बाकी 23 बची हैं, तो वो जीत जाएंगे तो पूरी 25 हम लोग जीत सकते हैं। और पिछली बार सरकार कांग्रेस की तो हम 20 सीट जीते थे, तो इस बार मुझे लगता नहीं कि हम, अगर जो रिस्पॉन्स, क्योंकि हमने पिछले 8-9 दिन में जो लोगों से बात की है, हर लोकसभा क्षेत्र में लोगों में आज जो उत्साह और जोश है, मुझे लगता है कि हम टारगेट 25 लेकर चल रहे हैं और कामयाबी मिलेगी हम लोगों को। सबसे पहले तो आपको बधाई कि 5 साल आपने सफलतापूर्वक पूरे किए। आपके पास दो मुख्य पद हैं, बहुत भारी भरकम, उप मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष, इनके साथ आप कैसे न्याय कर पाएंगे, क्योंकि दोनों फुल टाइम पद हैं? नहीं, कंधे तो मजबूत ही हैं, अभी तो जो जिम्मेदारी दे रखी है पार्टी ने उसको हम कर रहे हैं, और लोकसभा के चुनाव दूर नहीं है। फिर जो भी निर्णय पार्टी का होगा, सरकार में काम करने का मौका दिया है, मैं पार्टी का बहुत आभारी हूँ कि ये बहुत एक जिम्मेदारी वाला पद मुझे सौंपा है। मैं पूरी निष्ठा से काम कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट्स जो मुझे दिए गए हैं, और पार्टी प्राथमिकता तो रहती है, क्योंकि हम सब पार्टी के बदौलत ही सरकार में आ जाए हैं, तो अध्यक्ष रहते हुए पार्टी चुनाव जीते, इस पर हमारा पूरी कोशिश है। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो बेरोजगारी भत्ते का आप कर रहे हैं, उसमें कुछ फॉर्मेलिटी ऐसी है कि जो कॉन्ट्रैक्ट होती है, आधार कार्ड भी ले लिया, 52,000 का कार्ड भी ले लिया, SBI की पासबुक भी की है, तो मैं समझता हूँ जो नहीं, कौन से भत्ते की बात कर रहे हैं, ऋण माफी बेरोजगारी भत्ते की,
उसमें पांचों चीजों फॉर्मेलिटी हुई है, तो मैं समझता हूँ तकनीकी रूप से कम से कम फॉर्मेलिटी हो, क्योंकि ऐसा कुछ हमारे साथ आया एस बी आई नहीं ऐसा कोई मापदंड तय नहीं किया है। हम लोगों ने जो मैनिफेस्टो में लिखा था उस पर हम लोग कायम हैं कि हमारी कोशिश है कि राजस्थान के सभी नौजवानों को रोजगार के अवसर प्राप्त हों एंड दे शुड बी नॉट अंडर एम्प्लॉयड। एक तो होता है अनएम्प्लॉयड, एक होता है अंडर एम्प्लॉयड। उनको गेनफुल प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट मिले हमारी कोशिश रहेगी। जिन साथियों को नहीं मिल पाएगा उन लोगों को हम आसान दरों पर ऋण दिलाने की कोशिश करेंगे ताकि वो छोटा मोटा अपना काम चालू कर सकें, और वो भी अगर संभव नहीं हो पाएगा तो फिर जो जरूरतमंद परिवार के पढ़े लिखे लड़के लड़कियां हैं उनको हमने 3,500 रुपये तक का एक भत्ता देने का अनाउंसमेंट किया है। तो मंत्रालय के डिपार्टमेंट्स के लोग चर्चा कर रहे हैं, संवाद करके हम लोग बहुत जल्द इसका खुलासा करेंगे, लेकिन जो हमने कमिटमेंट किया है मैनिफेस्टो में उस पर हम खरा उतरेंगे और हम कोशिश करेंगे कि वो लाल फीते में ना अटक जाए। जो आपने कहा ना, जो अड़चने आती हैं बहुत सारे स्टेप्स बन जाते हैं, तो औपचारिकताओं से दूर रहकर हम चाहेंगे कि लोगों को सीधा बेनिफिट मिल सके। नहीं, बिल्कुल गलत बोल रही है। उन्होंने तो जाते जाते कांग्रेस के और किसान के दबाव में जान छुड़ाने के लिए 50,000 रुपये के अनाउंसमेंट्स की थी कोऑपरेटिव बैंक्स को। हमने कहा है कि संपूर्ण कर्जा जो कोऑपरेटिव बैंक्स का माफ करेंगे 2 लाख तक का, बाकी जो बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस हैं उनका माफ करेंगे, और सरकार की शपथ लेने के 48 घंटे में हमने कर दिया। समय 10 दिन का था, 2 दिन में घोषणा कर दी। आपने 4 साल 11 महीने 28 दिन कुछ नहीं किया और आप हमको बोल रहे हैं कि हमने अपने वादों पर मुकर गए। बिल्कुल गलत है। पब्लिक के सामने जो कमिटमेंट किया है ऋण माफी का उसको हम करेंगे, अनाउंसमेंट कर चुके हैं, और समिति जैसी अपना फाइनल रिपोर्ट देगी लोगों को तुरंत राहत उसकी मिल जाएगी। जिला प्रभारी गए, फूट साफ तौर पर सामने आ रही है, नागौर की बात की जाए, बीकानेर की बात की जाए, तो ऐसे में क्या कांग्रेस पार्टी 25 सीटें जीत? मैं समझता हूँ अगर ज्यादा लोग टिकट मांग रहे हैं, इसीलिए मांग रहे हैं, सिर्फ टिकट की दावेदारी है, 2 की जगह 6 लोग मांग रहे हैं, तो वो तो शुभ संकेत है भाई। सत्ताधारी पार्टी है, लोग लगता है कि सिंबल पे जीतेंगे इसलिए ज़्यादा डिमांड आ रही है, लेकिन सबसे बैठ के हमने खुद चर्चा करी है, AICC ने, PCC ने, मुख्यमंत्री जी मौजूद थे, तमाम से खुल के बात की है, और मुझे लगता है बहुत इजीली और बहुत सरलता से और बहुत टाइम पर हम लोग सही निर्णय करेंगे। उस समय JLS के सारे पोस्ट खत्म कर दिए, सारे पद खत्म कर दिए, उसके बाद AIS भी बहुत कम है डिपार्टमेंट में, तो क्या आप JLS के पदों को वापस भर्ती करेंगे? क्योंकि पूरे केंद्र में, पूरे इंडिया में और किसी भी डिपार्टमेंट में JLS के बिना विभाग नहीं चल रहे हैं। मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि ऑफिसर्स की कमी या टेक्निकल स्टाफ की कमी से हमारा कोई काम रुकेगा नहीं, इसकी आप चिंता छोड़िए। अभी हमारा काम ठीक चल रहा है, अगर अतिरिक्त पद की जरूरत पड़ेगी तो ऑप्शन खुला रहेगा हमेशा। सर, 20 दिन का अल्टीमेटम दे रखा है सरकार को, कहा है कि 5% अगर आरक्षण नहीं दिया गया फिर से सड़कों पे उतरेंगे, और 4 जगह महापंचायत करने वाले गुर्जर कम्युनिटी के लोग, तो क्या कुछ चैन से नहीं सो रहे देंगे कांग्रेस सरकार को? ये साफ है कि चैन से सरकार को नहीं सोने देंगे। व्यक्तिगत पूरी जानकारी आप लोगों को है। मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो पिछली सरकार थी वो जुमले